वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर। जैसे कि आप पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं, वीडियो वीपीडियो से ये छानबीन शुरू हुई उसको लेते हुए यूके ट्रिपल एससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में जो अनियमितताएं थी वो सामने आ रही है। निरंतर काफ़ी लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और ये जो एसटीएफ की जो जांच है वो निरंतर आगे बढ़ रही है और इसमें काफ़ी लोगों के अभी गिरफ्तार होने की और उनकी सम्मिलित होने की आशंका जताई जा रही है, ये सभी जानते हैं। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने 8:30 बजे के आसपास एक न्यूज़ देखी होगी, तो उसमें जो जी टीवी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश चैनल है उस पर ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ प्रसारित की गई, जिसमें बताया गया कि उत्तराखंड के सीएम ने सारी भर्तियां यूके ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों को रद्द कर दिया है। तो इस न्यूज़ को सुनने के बाद आप लोगों के मन में जाहिर सी बात प्रश्न उठा होगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी भर्तियां जो है सम्मिलित हैं जिनको रद्द कर दिया गया है, क्या ये न्यूज़ सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ जिसने पूरी देखी है उसको इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया होगा और जिसने 30 सेकंड का एक क्लिप देखा है उनको उसके बारे में काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में प्रश्न उठ रहे होंगे। तो इसके मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स में दिखाऊंगा जो इस न्यूज़ के निकल कर आए हैं, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये था कि जो सीएम धामी जी से जब ये प्रश्न पूछा गया वहाँ पर बैठ के, तो वहाँ पर उन्होंने इसके बारे में ऐसा नहीं बोला कि सभी भर्तियों को रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि बहुत बड़ा मुद्दा है ये हमारे राज्य के लिए, इस पर हम पूरी तह तक जाएंगे इस मामले के, चाहे इसमें कितने भी बड़े और रसूखदार लोग होंगे उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हम यहाँ पर, इन्होंने ये साफ साफ वहाँ पर बोला, और हम ये बात भी साथ में ये इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जिन लोगों का ने इसमें अपनी मेहनत से और ईमानदारी से इस परीक्षा को पास किया है, इसमें भाग लिया है, उनके साथ भी उनका अहित नहीं होने देंगे, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये साफ साफ कहा है। आप जरा इस क्लिप को सुनकर देख लो, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यूथ हैं, यूथ के सपने, यूथ की आकांक्षाएं आपसे जुड़ी हुई है। कुछ दिन पहले लेकिन एक खबर आई सेवा चयन आयोग में घोटाले की, पेपर लीक मामले की, यूथ आहत हुआ, आपने तुरंत कार्रवाई की, कई लोग अरेस्ट किए गए। भविष्य में इस तरह की चीजें न हो इसके लिए कोई फुल प्रूफ प्लान बनाया है आपने? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और ये नौजवानों से, युवाओं से, हमारे बेरोजगार भाइयों से जुड़ा हुआ, बेटियों से, बेटों से जुड़ा हुआ प्रश्न है और ये मामला बहुत गंभीर है। इसको लेकर जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है, जो लोग भी इसके पीछे हैं, जब तक एक एक को जो है हम लोग सलाखों के पीछे नहीं डाल देंगे, तब तक हम लोग जो है ये जांच को जारी रखेंगे। दूसरी बात, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए इस जांच के तहत तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कोई भी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कोई कितने बड़े हाथ वाला क्यों ना हो, उसको इसमें जो दोषी होगा उसको अंदर जाना पड़ेगा, उसके किए की सजा उसको मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि जिन विद्यार्थियों ने, जिन परीक्षार्थियों ने उसमें भाग लिया है, जिन्होंने ईमानदारी से अपनी परीक्षा दी है, उनको भी कोई अहित नहीं होने देंगे, किसी प्रकार का उनका नुकसान ना हो, उसके भी हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। और अगर अन्य संस्थाओं की भी हमें इन एग्जामों को आगे बढ़ाने में अगर मदद लेनी पड़ेगी तो हम मदद लेंगे, क्योंकि हम उनका अहित नहीं होने देंगे। जो बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, वो लोग सही समय पर अपने एग्जाम दे पाएं, उनकी परीक्षाएं संपन्न हो पाएं, उसका भी हमने पूरा विशेष रूप से ध्यान रखा है। हाँ, ये जरूर है कि ये बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ पे और बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसलिए इसके तहत हम लोग पहुंचेंगे हर कीमत पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको बताया कि किस तरीके से इनसे सवाल पूछा गया और इन्होंने किस तरीके से जवाब दिया वहाँ पर। लेकिन जब ये ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो उसके बाद उस वीडियो को हमने देखा जिसमें जी न्यूज़ की एंकर ने अपने संवाददाता से इस ब्रेकिंग न्यूज़ को अनाउंस करने के बाद अपने संवाददाता से इसके बारे में जानकारी ली, तो उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता हैं सादाब कुछ इस नाम से हैं, तो उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि सभी भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। यूके ट्रिपल एससी की जितनी भी भर्तियां थी जिनमें गड़बड़ी सामने आई थी, उन भर्तियों को रद्द करके करने का फैसला यहां पर लिया गया है, उसको भी देख लो आप, उसके बाद हम लास्ट में थोड़ी सी बात करेंगे। शम्स जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब जी, ये बड़ा फैसला लिया गया है यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में, जहां सभी भर्तियां नए सिरे से होंगी। बिल्कुल, देखिए, मुझे लगता है कि युवा मुख्यमंत्री ने जिस कमिटमेंट के साथ 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार का दम दिखाया है, उससे स्पष्ट है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन किसी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह से ये घोटाला सामने आया है, तो उसमें युवा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया था, मेरे बच्चों का हक है, मैं किसी को मारने नहीं दूंगा, और 7 साल के अंदर भी अगर इसके भ्रष्टाचारी होंगे तो हम जमीन खोद के निकाल के लाएंगे और इन भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। क्योंकि लगातार इस परीक्षा के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे, इसके रद्द
करने का निर्णय लिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो बच्चे ईमानदारी से काम करें उन्हें हम कैसे कंपनसेट करते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट है उसके बारे में लगातार कुछ ना कुछ उनके बारे में अच्छा जरूर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शादाब जी हमारे से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि यूके SSSC पेपर लीक से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे दे कि सभी भर्तियां रद्द कर दी गई है और जी यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। कॉन्क्लेव के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब नए सिरे से होंगी भर्तियां। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट, मैंने आपको सुना दिया किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि सभी भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। और मैंने ये भी सुना है आपको कि उस जो पत्रकार के द्वारा जब पूछा गया धामी जी से तो उन्होंने किस तरीके से उसको जवाब दिया था कि कैसे जो है हम पूरा मामला देख रहे हैं और कैसे उन विद्यार्थियों का भी ध्यान रख रहे हैं जिन्होंने मेहनत से इस परीक्षा को दिया था। तो कहीं पर भी उन्होंने ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि सभी भर्तियों को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक बैठक हुई थी UK SSSC और बाकी इन सभी चीज़ों को लेकर के, वहाँ पर अगर हो सकता है शायद ऐसा फैसला लिया गया होगा। लेकिन इसके लिए अभी 100% जो है मैं तो अपनी तरफ से नहीं कहूँगा कि सभी भर्तियों को रद्द कर दिया गया है या फिर किन किन भर्तियों को रद्द कर दिया गया, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। तो किसी भी नतीजे पर हम अभी नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन एक शुभगाहट जो है यहाँ से निकल कर आ गई है। जब बीजेपी के प्रवक्ता ने ऐसा बोल दिया कि ऐसा डिसीजन लिया गया तो हो सकता है ये डिसीजन लिया गया हो, बाकी देखना होगा कल तक ये तस्वीर पूरी अच्छी तरीके से साफ हो जाएगी। दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।